भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोता द्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्रीबांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्रीबांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ਨਵਾ
पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाण परमेश्वर ससांगाय
सायुधाय स्वभक्तिकाय भगवते श्री द्वारिकाधीशाय नमः। उभे चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावत् करोमि यत्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। ओ श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। कलंगा देवी स्थान की जय। अखंड भारत राष्ट्र की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे जय। जय जय श्री राधे जय। जय श्री राधे श्याम। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मः व्यामोहदस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो हृदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आदश्य नः कुलवदेव कुलाभिरामम् श्रीमद्वदङ्घ्रियुगलम् प्रणमामि मूर्धना। वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् सीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्भिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मेरो मन गिरवी धर्यो मन मोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो छूटन की नहीं आस।
श्री राधा जो मेरी स्वामिनी तो मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को अस्मद गुरुभ्यो नमः अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करें। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम 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 वदनम मधुरम हनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वशनम मधुरम वलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वशनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधि
राधेरखिलं मधुरम् मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका अखिल कोटे ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामिन समुपस्थित सम्माननीय
संत जनों, वंदनीय विद्वत जनों, भगवत गुणानुरागी भागवत जनों, माताओं बहनों भाइयों बालकों, परमात्मा की असीम अनुकंपा से सौर्या परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पूर्ति होने वाले सत्र में आप लोग पधारे हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान की असीम अनुकंपा से जिस प्रकार मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, आप अन्य दिनों से इन दिनों की तुलना करना बड़े सौभाग्य के दिन है कि आज प्रभु के सत्संग में आकर बैठने का शुभ अवसर मिला है। कल के प्रसंग में आपने भगवान के द्वारिकाधीश के विवाह की, भगवान की सुंदर झांकी देखी, कथाएं सुनी। वैसे तो मंगल निधान द्वारिकाधीश प्रभु जहां रहते हैं वहां सब मंगल ही होता है, लेकिन भगवान के साथ में जब लक्ष्मी जी साथ होती है तो भगवान की करुणा ज्यादा बरसती है। देखो, लक्ष्मी जगत जननी है, जगत माता है। रामावतार में भगवान जब वन के अंदर में थे उस समय जितने भी राक्षसों का प्रभु ने श्रृंगार किया है, वध किया है, उस समय जानकी जी साथ में नहीं थी। जानकी जी को अलग कुटिया में बिठा करके प्रभु किसी भी राक्षस का वध किया, उद्धार किया है, तो अकेले में प्रभु ने किया है। अगर जानकी जी साथ में हो और किसी राक्षस का प्रभु उद्धार कर दे तो जानकी जी रोक देती थी, ये जीव को मत मारो, इसलिए जगत माता कहलाती है। लक्ष्मी जी का एक नाम क्या है? जगत माता, पूरे जगत की मां है। तो द्वारिकाधीश प्रभु जहां रहते हैं वहां सब कुछ मंगल होता है, लेकिन कहते हैं कि जब भगवान के साथ में रुक्मिणी जी साथ में रहती है उस समय भगवान की करुणा ज्यादा बरसती है। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। आज प्रभु द्वारिकाधीश कुंडिनपुर से रुक्मिणी जी का हरण करके द्वारिका में लाए हैं। शिशुपाल तो रोता ही रह गया। प्रभु द्वारिका के अंदर में पदार्पण करते हैं। वसुदेव जी ने, देवकी जी ने भगवान का सुंदर श्रृंगार करके द्वारिका के अंदर में प्रभु की शोभा यात्रा निकाली है। भगवान करुणा निधान द्वारिकाधीश प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ है प्रभु का। एक बार द्वारिका के अंदर सभा के अंदर में प्रभु द्वारिकाधीश बैठे हैं, उस समय एक सत्राजित नाम का राजा आया और द्वारिकाधीश की सभा में जैसे ही प्रवेश किया तो दूर से ऐसा लगता था कि साक्षात सूर्यदेव सूर्य नारायण भगवान पृथ्वी के ऊपर में उतर के आए हैं, क्योंकि सत्राजित के गले में एक समयंतक नाम की मणि थी। इतनी चमकती थी वो कि दूर से ऐसा लगता कि साक्षात सूर्य नारायण है।
बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। तो भगवान द्वारिकाधीश सभा में बैठे हैं, उस समय सभी सभासद खड़े होकर के कहने लगे, प्रभु आज तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान सूर्य नारायण ही आए हैं। तो द्वारकाधीश प्रभु कहने लगे, अरे सभासदो, ये सूर्य नारायण नहीं है, सूर्य का भक्त है जिसका नाम है सत्राजित। सभासद सब बैठे हैं, सत्राजित ने जाकर के द्वारकाधीश प्रभु को प्रणाम किया है और भगवान द्वारकाधीश सत्राजित से थोड़ा सा विनोद किया, अरे सत्राजित, तुम्हारे ये गले के अंदर जो मणि है, इस मणि की क्या विशेषता थी कि रोज 8 भार सोना देती थी? कितना? 8 भार। और किलो में बताएं तो 32 किलो सोना रोज का देती थी। सत्राजित रोज उस मणि की पूजा करता तो वह मणि रोज 32 किलो सोना रोज देती थी। तो भगवान द्वारिकाधीश ने सत्राजित से विनोद कर लिया, सत्राजित तुम अपने परिवार में कितने लोग हो? तो सत्राजित कहने लगा कि मैं और मेरी घरवाली, मेरा एक भाई है प्रसेन, मेरी एक बेटी है सत्यभामा, कुल मिलाकर के हम 4 सदस्य अभी हैं। तो द्वारकाधीश प्रभु कहने लगे कि सत्राजित, हमारी द्वारिका इतनी बड़ी है, इसका संचालन करने के लिए हमें बहुत खर्चा लगता है, इसलिए ये मणि आप हमें दे दो। तो सत्राजित कहने लगे कि प्रभु, हम तो आपसे मिलने के लिए आए हैं और आपने तो हमारी मणि ही मांग ली। तो भगवान द्वारिकाधीश कहने लगे, अरे सत्राजित, हमने तो ऐसे ही विनोद किया है, तुम्हारी मणि हमें नहीं चाहिए। अब सत्राजित अपने घर आ गया, घर आकर के अपने गले से मणि उतारी और अपने कमरे में एक कुंडी पे लटका दिया उस मणि को। तो देखो, कभी कभी बड़े भाई की कोई वस्तु कहीं से लेकर आता है बाहर गांव से, तो ये छोटे भाई जो होते हैं, ये कभी कभी अपने बड़े भाई साहब की कोई वस्तु पहन करके चले जाते हैं कि भैया कितनी सुंदर वस्तु लेकर के आए हैं। तो एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन मणि को अपने गले में पहन करके जंगल में चला गया। जंगल में क्या हुआ, एक शेर मिला जो प्रसेन को मार दिया और जो मणि थी ना, वो मणि शेर खुद अपने गले में पहन ली। शेर भी थोड़ी दूर गया तो वहां पर जामवंत जी मिले, तो जामवंत जी ने शेर को मार दिया और मणि अपने गले में पहन ली। अपनी गुफा में गए तो जामवंत जी के एक कन्या है जिसका नाम है जामवती। तो जामवंत जी महाराज वो मणि अपनी कन्या जामवती को दे दी। देखो ये कथा थोड़ी ठीक से श्रवण करना, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई झूठा कलंक लग जाए, जो समयंतक मणि की कथा ठीक से श्रवण कर लेता है तो उस व्यक्ति का कलंक दूर हो जाता है। महाराज मणि पहुंच गई है जामवती जी के पास, तो सत्राजित वो प्रसेन सवेरे गया था, संध्या तक लौटा नहीं। तो सत्राजित ने कहा कि हमारा भाई कहां चला गया,
आसपास के लोगों को साथ में लेकर के कहने लगे कि हमारा भाई सुबह गया था, सायंकाल हो गया, अभी तक लौटा नहीं है। तो सत्राजित ने क्या किया कि द्वारिका के दो चार आदमी को साथ में लेकर के चारों तरफ खोजा, लेकिन कहीं पर भी प्रसेन मिले नहीं। एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, तो सत्राजित की घरवाली, सत्राजित ने आकर के बात बता दी थी कि मैं तो द्वारिकाधीश के पास गया था और द्वारिकाधीश ने हमारी मणि मांग ली। तो द्वारिकाधीश प्रभु ने ये काम किया है, प्रसेन को कहीं मरवा दिया और जो मणि है द्वारिकाधीश प्रभु खुद ले ली है। तो सत्राजित ने ये बात अपनी घरवाली को बता दी और यह कह दिया कि देख ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि अपन द्वारिका में रह रहे हैं, द्वारिकाधीश प्रभु बड़े आदमी हैं और जिस गांव में रहे तो बड़े लोगों से विरोध करना ठीक नहीं है ना, इसलिए ये बात तुम किसी को बताना मत। अब देखो भाई, कोई बात का प्रचार करना हो तो अपनी घरवाली को कह देना और इतना कह देना कि ये बात किसी को बताना मत, बिना न्यूज़पेपर के ही बात अपने आप चारों तरफ फैल जाएगी। महाराज सत्राजित ने मना करने के बाद में सत्राजित की जो पत्नी है उससे रहा नहीं गया। एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, दो चार दिन तो वो किसी से नहीं कही, एक दिन अपनी पड़ोसन से कह दी। पड़ोसन से क्या कहा कि हमारे देवर प्रसेन को द्वारकाधीश प्रभु ने कोई षड्यंत्र रचा करके मरवा दिया और जो मणि है द्वारकाधीश प्रभु ले ली है। तो ऐसे पूरी द्वारिका के अंदर करणे करणे जपन जनः, वो उस पड़ोसन को बताई, वो उस पड़ोसन को बताई और पूरे गांव में बात फैल गई। जो बात कहती है वो कहती है तू किसी को बता ना मत, मैं केवल तेरे को ही बता रही हूं। ऐसे करणे करणे जपन जना, पूरे कानों कान द्वारिका के अंदर में बात फैल गई और वह बात फैलती फैलती रुक्मणी जी के पास में बात पहुंची। रुक्मणी जी ने एक दिन द्वारिकाधीश प्रभु से कहने लगे कि प्रभु गांव में क्या खबर हो रही है, क्या बात हो रही है, आपको पता है क्या? तो द्वारिकाधीश प्रभु कहने लगे कि हम तो अपने काम से काम लगे रहते हैं, गांव में खाली बैठे लोग कुछ भी बातें बनाते रहते हैं। तो रुक्मणी जी कहते हैं नहीं नहीं ना प्राणनाथ, हम ऐसा बात सुनने में आई है कि द्वारिकाधीश प्रभु ने प्रसेन को मरा दिया है और मणि छीन ली है। तो भगवान द्वारिकाधीश प्रभु कहने लगे कि नहीं नहीं, ना तो मैंने मणि छीनी है और ना ही मैंने प्रसेन को मरवाया है। बोले द्वारिका में तो ऐसी अफवाह फैल रही है प्रभु, आप कुछ पता लगा करके इस बात का समाधान करो। तो भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका के पांच पंचों को साथ में लिया है, द्वारिका से बाहर जंगल में गए तो एक जगह है प्रसेन, ऐसा लगता कि प्रसेन को यहां पर मारा गया है क्योंकि प्रसेन के कपड़े वहां पर पड़े थे। थोड़ी दूर जाने पर एक शेर भी मरा पड़ा है और वहां से चरण चिन्ह एक गुफा की ओर जा रहे हैं। तो पता लगा कि शेर को भी जिसने मार दिया
तो पता नहीं इस गुफा के अंदर में कोई बड़ा सवा शेर रहता होगा। द्वारिका से जो पांच लोग साथ में आए थे वो द्वारिकाधीश प्रभु से कहने लगे, प्रभु इस गुफा में पता नहीं कौन कितना बड़ा भयानक राक्षस है, हम तो इस गुफा में नहीं जाएंगे। तो भगवान कहने लगे कि ये कलंक मेरे को लगा है ना, मैं जाऊंगा। तो आज द्वारिकाधीश प्रभु गुफा के अंदर में प्रवेश किया। अंदर गए तो जामवती जो थी, जामवत की कन्या जामवती, वो मणि के साथ में खेल रही थी। और जैसे ही जामवंत ने भगवान द्वारिकाधीश को देखा, अपने सिंहासन से खड़ा होकर के प्रभु के पास पहुंच गया, हाथ में गदा लेकर के दौड़ा है। तो भगवान कहने लगे कि ये मणि तुम्हें कहां मिली? तो जामवंत जी कहने लगे कि मणि की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि तुम यहां पर आए कैसे, मेरे साथ युद्ध करो। तो भगवान द्वारिकाधीश जामवंत की ही गदा को छीन लिया और जामवंत के साथ में युद्ध किया। जैसे ही जामवंत के साथ में प्रभु ने युद्ध किया तो भगवान ने जोरदार एक गदा का प्रहार किया, जामवंत जी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और भगवान के हाथ जोड़ने लगे, प्रभु मैं अब युद्ध से परिपूर्ण हो गया हूं। बात ऐसी थी कि रामावतार के अंदर प्रभु जब वनवास से वापस अयोध्या लौटे थे ना, तो सब लोगों को प्रभु पारितोषिक इनाम दे रहे थे। जब जामवंत जी का नंबर आया तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मेरे को कोई पारितोषिक इनाम नहीं चाहिए, आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मेरे साथ में कोई मेरे बराबर युद्ध करने वाला आता ही नहीं है। भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु आप ही मेरे साथ में युद्ध करो। तो उस समय भगवान कहते हैं कि मैं अभी त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आया हूं, आप जैसे सम्माननीय व्यक्ति के साथ में मैं युद्ध नहीं कर सकता, आप हमारे आदरणीय पुरुष हैं, लेकिन आप घबराओ मत जामवंत जी, मैं अपने भक्तों की इच्छा को कभी अधूरी नहीं रहते देता, अवश्य पूरी करता हूं। तो प्रभु आज द्वापर युग में कृष्ण बनकर के आए और जामवंत के साथ में युद्ध किया, जोरदार गदा का प्रहार हुआ। तो जामवंत जी कहने लगे, प्रभु आप रामावतार वाले त्रेता युग में राम बन करके आए थे, वही तो है ना? तो भगवान कहने लगे, हाँ उस समय हम मर्यादा में थे, अभी हम लीला करने के लिए आए हैं। तो जामवंत जी भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु अब मेरी युद्ध की इच्छा पूरी हो गई है। प्रभु ने द्वारिकाधीश प्रभु खड़े हैं, उस समय जामवंत जी मणि निकाली और द्वारिकाधीश प्रभु को दे दी, प्रभु ये लो मणि, लेकिन मेरा एक काम करना पड़ेगा प्रभु। भगवान कहने लगे, क्या काम है? बोले, प्रभु आप ये मणि तो ले लो, लेकिन मेरे एक कन्या है जामवती, उस जामवती कन्या का विवाह है, मैं आपके साथ ही करूंगा। भगवान ने जामवती के साथ में दूसरा विवाह किया है। बोले, जामवती नंदन भगवान की जय। प्रभु का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ है। भगवान मणि को ले ली, साथ में जामवती नाम की कन्या से विवाह किया है। अब मार्ग में आने लगे तो जामवती के चेहरे पर कुछ दाढ़ी और मूछें आई हुई थी। तो भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, देखो जामवती जी,
द्वारिका में अपना मुख किसी को मत दिखाना, घूंघट निकाल लेना महाराज। जामवती घूंघट निकाल ली और भगवान कहने लगे कि जब तक मुख मत दिखाना, जब तक तुम्हारी धाड़ी और मूछें नहीं मिटे, किसी को अपना मुख मत दिखाना। महाराज जामवती जी जैसे ही द्वारिका में आई तो आस पड़ोस के स्त्रियों को पता चला कि प्रभु ने दूसरा विवाह किया है। तो आस पड़ोस की स्त्रियां, देखो अपने घर में कोई नया विवाह होता है तो पड़ोसी की स्त्री आती है ना, कैसी बहू आई है देख करके तो आई। तो आस पड़ोस की नारियां आकर के कहने लगी कि द्वारिकाधीश प्रभु ने कौन सी बहू लेकर के आए हैं, मुख तो देखे। अब जामवती जी अपना मुख नहीं दिखा। कई स्त्रियां आई, उस समय रुक्मिणी जी बैठी थी। तो रुक्मिणी जी कहने लगी, क्या मुख देखती हो, हमारे जैसी ही ये जामवती होगी। इतना कहा और जामवती के मुख में जो धाड़ी और मूछें आई थी वो अपने आप मिट गई, क्योंकि रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। लक्ष्मी जो बात कहती है वो सिद्ध हो जाती है, सही हो जाती है। ऐसे प्रभु का दूसरा विवाह है जामवती के साथ हुआ। भगवान वो मणि लेकर के सत्राजित के पास गए। सत्राजित, ये तुम्हारी मणि ले लो। महाराज सत्राजित घबराने लगा कि द्वारिकाधीश बड़े लोग हैं और इनके साथ में विरोध करना उचित नहीं है। तो सत्राजित कहने लगा कि प्रभु ये मणि तो अपने पास ही रखो। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ये मणि तो हम नहीं रखेंगे। तो सत्राजित कहने लगा कि मेरे एक सत्यभामा नाम की कन्या है, इसका विवाह है प्रभु में आपके साथ करना चाहता हूं। सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह है भगवान द्वारिकाधीश प्रभु के साथ में किया है। तो भगवान का तीसरा विवाह है सत्यभामा के साथ हुआ। और भगवान ने कहा कि ए सत्राजित, ये मणि हमको नहीं चाहिए, ये मणि तो तुम जितना रोज सोना देती है वो सोना हमारी द्वारिका में भेजते रहना। कितना सोना देती थी रोज पता है ना, 8 भार यानी 32 केजी। अब देखो 32 केजी जिसके ससुराल से सोना आए तो क्या कहना। महाराज रोज 8 भार सोना सत्यभामा के मायके से आता था द्वारिका के अंदर। ऐसे प्रभु का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन यमुना के तट से जा रहे हैं। वहां पर एक देवी यमुना के तट पर तपस्या कर रही है। तो भगवान अर्जुन को कहें कि अर्जुन इस नारी को पूछो कि ये किसका तपस्या कर रही है। तो अर्जुन ने पूछा जाकर के, तो वह कालिंदी कहती है कि मैं भगवान द्वारिकाधीश के साथ विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हूं। तो प्रभु जाकर के कालिंदी जी के साथ में चौथा विवाह प्रभु का होता है। पांचवा विवाह है मित्रविंदा के साथ प्रभु ने किया। छठा विवाह है भगवान भद्रा के साथ में करते हैं। सातवां विवाह प्रभु अयोध्या के एक राजा ने 7 बैलों को एक साथ में जो नाथ दे वो उसी कन्या का विवाह है, उसी राजकुमार के साथ में करेंगे। तो भगवान द्वारिकाधीश अयोध्या गए, 7 रूप बना करके प्रभु ने 7 बैलों को एक साथ में नाथ दिया। तो भगवान का 7वां विवाह अयोध्या के राजा जिनकी कन्या है सत्या उनके साथ में हुआ। 8वां विवाह प्रभु का लक्ष्मणा के साथ में होता है।
इस प्रकार से भगवान की 8 पटरानियां है। प्रेम से कहिए श्री राधे, ऐसे भगवान की 8 पटरानियां। एक वर्ष व्यतीत हुआ, रुक्मिणी जी के एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न कुमार। जैसे ही प्रद्युम्न कुमार का जन्म हुआ और जन्मते से ही एक दिन बाद में प्रद्युम्न कुमार गायब हो गए तो रुक्मिणी जी चिंता करने लगी, उदास हो गई। भगवान द्वारिकाधीश से कहने लगी, प्रभु आपका बेटा गायब हो गया, आप चिंता नहीं करते, आप तो अपनी मस्ती में घूम रहे हैं। तो भगवान द्वारिकाधीश कहने लगे कि रुक्मिणी जी आपने जो गाड़ी है वो लाइन से ही चल रही है। बोले कैसे, मैं समझी नहीं। तो भगवान द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि रुक्मिणी जी कभी योग बनेगा तो वापस आपका बेटा आ जाएगा, क्यों चिंता कर रही हो। तो रुक्मिणी जी कहने लगी, आप पता है क्यों नहीं लगाते, आप तो इतने बलशाली है, 7 दिन तक गिरिराज को उठाया है, आप पता तो लगाओ कहां कौन लेकर के गया है। तो महाराज द्वारिकाधीश प्रभु कहने लगे कि देखो रुक्मिणी जी चिंता मत करो, तुम्हारी सासू मां से पूछो कि हम तो जन्मते से ही गायब हो गए थे, हुए कि नहीं प्रभु, गोकुल में जन्म लिए थे, कहां पहुंचे थे, मथुरा गए थे ना। तो भगवान कहते हैं कि हम तो जन्मते से ही गायब हो गए थे रुक्मिणी जी, चिंता मत करो, कभी योग बनेगा तो अपना लाला आ जाएगा। तो महाराज ये प्रद्युम्न कुमार को कौन लेकर के गया, एक संप्रासुर नाम का दैत्य था। तो संप्रासुर नाम का जो दैत्य था इसके और प्रद्युम्न कुमार के बरगावेर था। बरगावेर का मतलब क्या होता है, 36 का आंकड़ा, कि इस व्यक्ति के और हमारे तो कुछ बनती नहीं है, हमारे कोई बात भी बनेगी नहीं इसके साथ में, उसको कहते हैं 36 का आंकड़ा। तुम्हारा संप्रासुर ने क्या किया, जैसे ही रुक्मिणी जी के यहां पर बालक का जन्म हुआ तो वह छल के द्वारा कपट करके ऐसा अवसर पाकर के उस बालक का हरण कर लिया और समुद्र में ले जा करके डाल दिया। वहां पर उस बालक को एक मछली निगल गई, मछुआरे ने पकड़ा और वो मछली बेचने के लिए संप्रासुर के ही घर में आ गई। वह बालक उस मछली के पेट में अब तक सुरक्षित है। तो संप्रासुर के रसोई घर के अंदर में रति नाम की एक कन्या है जो कामदेव की पत्नी है। कामदेव जब जलकर भस्म हो गए थे, भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया था, तो रति रोने लगी। तो भगवान शिव ने कहा कि रति चिंता मत करो, यही कामदेव थोड़े ही दिनों के अंदर द्वारिका में भगवान कृष्ण का बेटा बनकर के अवतरित होगा, तुम्हें वापस प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा संप्रासुर के रसोई घर के अंदर में ये रति रसोई घर का काम करती है। उस रसोई घर में वह मछली आ गई, जैसे ही पेट के चीरा लगाया तो प्रद्युम्न कुमार जो थे एकदम सुरक्षित हैं। रति पहचान गई कि ये मेरे ही पति का जन्म हुआ है। उस घर में बड़े होने लगे। देखो देवताओं की विशेषता है कि वो कितने ही वर्ष के हो जाए लेकिन हमेशा उनकी कुमार अवस्था रहती है, उनके चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं पड़ती।
आजकल तो 30-35 के अंदर चेहरे में झुर्री पड़ने लगती है, लेकिन देवताओं की क्या विशेषता है, हमेशा उनकी कुमार अवस्था बनी रहती है। महाराज प्रद्युम्न कुमार को ठीक से ध्यान रखती है, उनको बड़ा कर रही है। जब महाराज 25 वर्ष के हो गए तो रति ने पूरी बात बता दी एक दिन प्रद्युम्न कुमार को, और जैसे ही प्रद्युम्न कुमार को यह बात मालूम पड़ी तो प्रद्युम्न एक दिन अपनी पत्नी रति से कहने लगे कि अपन द्वारिका चलेंगे, कभी अवसर आने दो। महाराज प्रद्युम्न कुमार बड़े हो रहे हैं और इधर भगवान द्वारिकाधीश प्रभु एक दिन अपनी सभा में बैठे हैं। उस सभा के अंदर में एक दूत आया है, देवराज इंद्र आए हैं और भगवान को प्रणाम करने लगे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबसे पहले देवराज इंद्र आकर के भगवान को प्रणाम किया है और कहने लगा कि प्रभु एक दैत्य आया है, भौमासुर नाम का दैत्य, और मेरी माता अदिति के कुंडल छीन करके ले गया और मुझे इतना और कह करके गया है कि तुमने अपनी माता का दुग्ध पान किया है तो ये कुंडल वापस लेकर के चले जाना। तो देवराज इंद्र प्रभु से सहायता लेने के लिए आए हैं और उसी समय भौमासुर के यहां पर, भौमासुर नाम का एक दैत्य है, वो जगह जगह से भारत राष्ट्र से अनेक कन्याओं को अपहरण करके लाया है और अपने कारागृह के अंदर में बंद कर दिया। जैसे ही बंद कर दिया तो सब कन्याएं उदास हो गई, अब हम अपने घर भी जाएं तो कैसे जाएं? तो उन 16,100 कन्याओं ने एक दूत भेजा द्वारिका के अंदर। उस दूत से कहा कि आप जाकर के द्वारिकाधीश प्रभु से कहना कि हमें भौमासुर जगह जगह से अपहरण करके लाया है, हमारे साथ उसने कुछ अनुचित किया नहीं है, लेकिन हम इस कारागृह के अंदर में बंद हैं, समाज में हमारी कोई मान प्रतिष्ठा नहीं रहेगी प्रभु, तो आप कृपा करके हमें अपना लेना। तो वह दूत आकर के द्वारिकाधीश में प्रभु को प्रणाम करके कहने लगा कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान दूत से पूछते हैं कि क्या समाचार है, तो दूत कहता है कि भौमासुर नाम का दैत्य कारागृह के अंदर में 16,100 कन्याओं को बंद कर रखा है और वो सब कन्याएं आपको पुकार रही है प्रभु, आपकी शरणागति होना चाहती है। भगवान ने देखा ठीक है हम जाएंगे। इधर देवराज इंद्र के साथ में प्रभु आए हैं, देवराज इंद्र प्रभु से बार बार स्तुति का गान कर रहा है, प्रभु आप मेरी सहायता करो,
तो भगवान द्वारिकाधीश देवराज इंद्र के साथ लेकर के भौमासुर के राज्य के अंदर में प्रभु गए हैं। भौमासुर के साथ में प्रभु युद्ध किया है और भौमासुर को युद्ध करते करते प्रभु ने जोरदार गदा का प्रहार किया और भौमासुर को उद्धार प्रभु कर देते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, भगवान ने देखा कि अब भौमासुर के राज्य को देखे, चारों तरफ प्रभु घूम करके भौमासुर के राज्य को देखने लगे तो एक बहुत बड़ा कारागृह था। उस कारागृह के अंदर के ताला खुलवाया तो 16,100 कन्याएं एक साथ भगवान को प्रणाम करने लगी। जैसे ही प्रभु को प्रणाम किया फिर भगवान की दिव्य स्तुति करने लगी, हे प्रभु द्वारिकाधीश, ये भौमासुर हमको जगह जगह से अपहरण करके लाया है, हमारे साथ में कुछ अनुचित नहीं किया, लेकिन समाज में हमारी क्या प्रतिष्ठा रहेगी? गोविंद, आप हमें अपना लेना। द्वारिकाधीश प्रभु उन सभी कन्याओं की स्तुति श्रवण करते हैं और प्रभु द्वारिकाधीश सभी कन्याओं के साथ में 16,100 रूप बना करके सभी कन्याओं के साथ प्रभु विवाह करते हैं। भगवान विवाह करके द्वारिका में आते हैं तो आज प्रभु के कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह प्रभु के हो गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, ऐसे प्रभु के 16,108 विवाह हुए हैं और भगवान के हर रानी के 10-10 बेटे हो गए और भगवान के 10-10 पोते भी हो गए। अब देख लो कितना बड़ा परिवार है। 16,108 तो भगवान की रानियां और उन रानियों के 10-10 बेटे और उन बेटों के भी 10-10 बेटे, तो बताओ कितना बड़ा परिवार। इतना बड़ा परिवार के अंदर भगवान द्वारिका का संचालन करते हैं और कभी भी भगवान उदास नहीं होते, क्योंकि भगवान करुणा निधान, द्वारिकाधीश प्रभु की अनवरत कृपा द्वारिका के सब परिवार पर होती रहती है। तो भगवान द्वारिका में इतने बड़ी परिवार के साथ रह करके समस्त द्वारिका के लोग प्रभु के अधीन हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। देखो अपना थोड़ा सा बड़ा परिवार हो जाए तो कभी कभी कुछ तकलीफ आती है तो कहते हैं क्या बताएं, हमारा इतना बड़ा परिवार है, कभी कुछ चालू रहता है। और भगवान जितना बड़ा परिवार तो होगा ही नहीं ना, भगवान इतने बड़ा परिवार का किस प्रकार से पोषण कर रहे हैं? तो भगवान द्वारिकाधीश को अपन भी प्रणाम करते हुए कहें कि प्रभु हमारा परिवार इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हम तो इस परिवार से भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तो आपकी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर भी बनाए रखो। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, तेरी मंद मंद बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे।
जब गजरारे मटके हैं कारे कारे मटके हैं कारे कारे Okay.